वेलकम बैक स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने अपना चैप्टर कंप्लीट किया था 5 द अगली डकलिंग, और आज हम उसका एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम उसका वर्ड पावर पढ़ेंगे। डकलिंग, डकलिंग का पावर हमने आपको चैप्टर में भी बताया था कि डक की बेबी को हम जो है कि डकलिंग बोलते हैं। सो बेबी डक, डकलिंग का पावर बेबी डक। अगली, अगली मीन्स जो बिल्कुल सुंदर नहीं होता, तो नॉट ब्यूटीफुल, उसका पावर नॉट ब्यूटीफुल। लेट, लेट मीन्स होता है देना या रखना, टू पुट और गिव। सैड, सैड मीन्स होता है दुखी, सो पावर इसका नॉट हैप्पी। नेक्स्ट सेशन है ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, हु सेड आर यू माई मदर, किसने बोला था कि आप मेरी मम्मा हो, किसने बोला था कि क्या तुम मेरी मम्मा हो। ऑप्शन द काउ, ऑप्शन बी द डकलिंग, ऑप्शन सी द रैबिट। तो काउ तो हमारी स्टोरी में ही नहीं था, सॉरी था, बट वो तो उसी से पूछा जा रहा था। डकलिंग, डकलिंग ने पूछा था कि क्या आप मेरी मम्मा हो। सो हम डकलिंग पर जो है कि टिक करेंगे। सेकंड, दे आर वेयर डैग्स एग्स इन द नेस्ट। वहाँ पर कितने नेस्ट में कितने अंडे थे, कितने अंडे उसने रखे थे। ऑप्शंस हैं ए 7, बी 8, सी 9। तो 7 इज द राइट आंसर। तो हम 7 पर टिक करेंगे। 7 अंडे थे, जिसमें से 6 जो है बहुत ब्यूटीफुल थे, और नॉट जो 7th था वो बहुत ही अगली था। थर्ड, द डक मेड अ डैश इन द ग्रास। डक ने अपना घोंसला कहाँ बनाया था, सॉरी डक ने घास में क्या बनाया था। ए हाउस, बी वेल, सी नेस्ट। तो डक ने घास में अपना घोंसला बनाया था, तो हम नेस्ट पर जो है कि टिक करेंगे। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है बी, राइट यस और नो। इसमें आपको क्या करना है, आपको जो है कि जो सही है वहाँ पर यस लिख देना है, जो नो है वहाँ पर नो राइट कर देना है, बस। तो फर्स्ट, अ ब्यूटीफुल स्वैन वाज स्विमिंग इन द रिवर। जो ब्यूटीफुल स्वैन था, हंस था, वो नदी में तैर रही थी। हाँ, ये तो सही है, तो यहाँ पर हम इसके ब्रैकेट में यस लिखेंगे। सेकंड, देयर वेयर 7 ब्यूटीफुल डकलिंग्स। 7 ब्यूटीफुल डकलिंग थे वहाँ पे, बेबी डक थे नहीं, वहाँ पर तो 6 ही सुंदर थे और एक तो एकदम अगली था, तो नो। थर्ड, द रैबिट आस्क्ड द डकलिंग टू गो अवे। रैबिट ने डकलिंग को जाने के लिए पूछा, नो, उसने बोला था, ऑर्डर दिया था, चले जाओ यहाँ से, तो यहाँ पर भी नो। फोर्थ, द स्वैन वॉज द मदर ऑफ द अगली डकलिंग। जो स्वैन थी वो भद्दे से, जो भद्दा सा बेबी डक था, उसकी मॉम थी नहीं, वो तो बाद में मॉम बनी ना, पहले तो जो है कि उसकी मदर तो वो डक थी। सो आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इसका क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। बाय एंड थैंक यू।